दोस्तों, आप में से बहुत से लोग लॉन्ग ड्यूरेशन तक रनिंग करते हैं, कुछ लोग इसमें मैराथन रनिंग भी करते हैं। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए मैराथन रनिंग से लेकर लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग शूज़ के बारे में जो बजट फ्रेंडली हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 रनिंग शूज़ की जो आपको मैराथन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और ये सारे के सारे बजट फ्रेंडली सेगमेंट के अंदर आते हैं। दोस्तों, रनिंग शूज़ चुनने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब भी आप मैराथन रनिंग करते हैं या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन तक रनिंग करते हैं तो आपके जो फीट है उस पर शॉक लगता है। लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग करने पे जो शॉक लगता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपके जो शूज़ हैं उसमें बेटर कुशनिंग होनी चाहिए, उसका जो आउटसोल है वो भी काफ़ी अच्छे मटेरियल से बना होना चाहिए जो आपको काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन प्रोवाइड कराए। तो दोस्तों, ये जो सारे के सारी चीज़ें हैं हमने इस वीडियो के अंदर कवर करी हैं इन रनिंग शूज़ के अंदर, क्योंकि जो भी मैराथन रनिंग शूज़ होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अगर आप देखेंगे किसी भी सेगमेंट के अंदर तो जो मैराथन रनिंग शूज़ होते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर हमने यहाँ पे चूज़ करे हैं बजट फ्रेंडली मैराथन रनिंग शूज़ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट के मैराथन रनर हैं। ये रनिंग शूज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक रनिंग करते हैं या फिर आप एक मैराथन रनर हैं और आपका बजट अगर कम है, आप उन कॉस्टली रनिंग शूज़ को परचेज नहीं कर सकते हैं जो काफ़ी कॉस्टली हैं एज कम्पेयर टू दिस रनिंग शूज़, तो आप ज़रूर इन रनिंग शूज़ के लिए जा सकते हैं जो आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड कराएंगे ड्यूरिंग द रनिंग और साथ ही साथ आपकी जो रनिंग है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। दोस्तों, इन सारे के सारे रनिंग शूज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जहाँ पर आपको हेल्थ, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें जहाँ पर आपको डेली हेल्थ, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, हमारे बजट फ्रेंडली मैराथन रनिंग शूज की फिफ्थ इन द लिस्ट है रिबॉक फ्लायर एलपी। रिबॉक का रनिंग शूज बजट फ्रेंडली रनिंग शूज है जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वैसे तो आपको काफी मैराथन रनिंग शूज मिल जाएंगे लेकिन मैराथन रनिंग शूज काफी कॉस्टली होते हैं, इसलिए हमने बजट फ्रेंडली मैराथन रनिंग शूज ही चुने हैं जिसमें रिबॉक फ्लायर फिफ्थ इन द लिस्ट है। भाई दोस्तों, इस रनिंग शूज के अगर हम अपर मटेरियल की बात करें तो वो सिंथेटिक मैश का बना है जो इसे काफी अच्छी ब्रीदेबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। वहीं अगर हम इसके इनसोल की बात करें तो वो हार्ड मटेरियल का बना है और आउटसोल में ईवीए का यूज किया गया है जो इसे काफी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द रनिंग। दोस्तों, ये रनिंग शूज बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा रनिंग शूज है। अगर आप इसको पहन के मीडियम डिस्टेंस तक रनिंग करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, जो इस प्राइस रेंज में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर इसके प्राइस एंड क्वालिटी की बात करें तो प्राइस इसका कम है और क्वालिटी में काफी अच्छा रनिंग शूज है। दोस्तों, इस रनिंग शूज को आप कैजुअल लुक के साथ भी यूज कर सकते हैं आसानी से। ये दिखने में काफी स्टाइलिश एंड प्रीमियम है, ये काफ़ी अफोर्डेबल और प्रॉपर फिट के साथ आता है। दोस्तों, अगर आप इस रनिंग शूज़ को परचेस करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, एसिक्स एक जाना माना ब्रांड है जो अपने स्पोर्ट्स शूज़ के लिए जाना जाता है और उसके रनिंग शूज़ काफ़ी फेमस हैं। दोस्तों, एसिक्स का पेट्रियो 10 हमारे फोर्थ इन द लिस्ट है। अगर इस रनिंग शूज़ के फीचर्स की बात करें तो इसमें अपर मटेरियल में ब्रीदेबल मैश का यूज़ किया गया है जो पूरी तरह से वेंटिलेशन प्रोवाइड कराता है और जब आप रनिंग करते हैं तो आपके फीट को ड्राई रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जिससे आपका कंफर्ट बना रहता है लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग तक। दोस्तों, वहीं अगर इस रनिंग शूज़ के वेट की बात करें तो एक काफ़ी लाइट वेट रनिंग शूज़ है। आपको लगता ही नहीं कि आपने शूज़ पहना हुआ है क्योंकि इसका वेट अराउंड 212 ग्राम है जो काफ़ी लाइट वेट है अगर कंपेयर करें अदर रनिंग शूज से। वहीं दोस्तों, इस रनिंग शूज़ के सोल में एम्पलीफिकेशन मटेरियल का यूज़ किया गया है जो इस रनिंग शूज़ को स्मूथ राइड के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर इस रनिंग शूज़ के प्राइस टू वैल्यू की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर मैराथन रनिंग शूजेस। दोस्तों, ये एक काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है फॉर डेली रनिंग एंड मैराथन रनिंग और आपको इसको पहनने के बाद काफ़ी कंफर्ट फील होता है, आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक रनिंग आसानी से कर पाते हैं। तो जो भी बिगनर्स हैं और जो भी इंटरमीडिएट लेवल रनर्स हैं जो मैराथन रनिंग करते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो वो इस रनिंग शूज़ को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं अगर इसके प्राइस टू वैल्यू की बात की जाए। दोस्तों, अगर आप इस रनिंग शूज़ को परचेस करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, प्यूमा का इमरजेंस रनिंग शूज़ हमारे थर्ड इन द लिस्ट है। ये एक टॉप परफॉर्मिंग बजट फ्रेंडली मैराथन रनिंग शूज़ है। लुक वाइज ये रनिंग शूज़ काफ़ी स्टाइलिश एंड स्लीकी है। अगर आप इस रनिंग शूज़ को लुक वाइज देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा
वहीं अगर इस रनिंग शूज़ के अपर मटेरियल की बात करें तो इसमें निटेड मैश का यूज़ किया गया है जो पूरी तरह से वेंटिलेशन प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द रनिंग और आपके फीट को ड्राई रखता है लॉन्ग ड्यूरेशन तक, जिससे आपको काफ़ी कंफर्ट बना रहता है इन लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग। वहीं अगर इसके मिडसोल की बात करें तो ये फुल लेंथ EVA मटेरियल का बना है जो बहुत अच्छी कुशनिंग एंड ग्रिपिंग प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द रनिंग। दोस्तों, किसी भी अच्छे मैराथन रनिंग शूज़ या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग शूज़ में हमेशा ग्रिपिंग एंड कुशनिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो जो उसके शौक होते हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए वो रनिंग शूज़ बना होना चाहिए, जिससे आपका फीट कम्फर्ट रहे, आपको कम्फर्ट मिलता रहे जब भी आप रनिंग करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप रनिंग शूज़ खरीदें लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग शूज़, तो उसमें कुशनिंग एंड ग्रिपिंग के साथ साथ आप फिटिंग भी ज़रूर देख लें। दोस्तों, वहीं अगर हम इसके फिटिंग की बात करें तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है और इसमें यूज़ किया गया सॉफ्ट फोम सॉक लाइनर इसको और ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है, जो इसकी एक प्लस क्वालिटी है। वहीं अगर हम इसके आउटसोल की बात करें तो फुल EVA मटेरियल का बना है जो इसे काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड गुड ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द रनिंग, जिससे आपको काफ़ी अच्छा पेस मिलता है। इस रनिंग शूज़ को डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से किया गया है, पहनने में भी ये रनिंग शूज़ काफ़ी कंफर्टेबल है। दोस्तों, अगर आप इस रनिंग शूज़ को परचेस करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, रिबॉक एक ऐसा ब्रांड है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और इसके कुछ ऐसे स्पोर्ट्स सेगमेंट हैं जहां पर रिबॉक बजट फ्रेंडली रनिंग शूज़ बनाने में काफ़ी ब्रांड्स को पीछे छोड़ देता है। ऐसे ही रिबॉक का अल्ट्रा स्पीड V3LP हमारे सेकंड इन द लिस्ट है। अगर दोस्तों इस रनिंग शूज के फीचर्स की बात करें तो इसका अपर मटेरियल सॉलिड सिंथेटिक मैश का बना है जो इसे काफी अच्छी वेंटिलेशन एंड आपके फीट को ड्राई रखने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। वहीं अगर इसके मिडसोल की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड EVA का यूज किया गया है जो कम्फर्ट लेवल को काफी अच्छे से बढ़ा देता है। और इसके साथ ही साथ अगर इंसोल की बात करें तो सॉफ्ट एंड कुशनिंग उसमें प्रोवाइड की गई है जो पूरी तरह से शॉक प्रूफ है। रनिंग करते वक्त आपको शॉक नहीं लगता, इसलिए आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक रनिंग कर सकते हैं, जो इसे काफ़ी अच्छा मैराथन रनिंग शूज़ बना देता है। वहीं इस मैराथन रनिंग शूज़ के आउटसोल में EVA मटेरियल का यूज़ किया गया है जो इसे काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द रनिंग, जिससे आप अपनी पेस को सुधार सकते हैं। वहीं लुक वाइज भी ये काफ़ी स्टाइलिश दिखता है, आप इसे कैजुअल लुक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये रनिंग शूज़ लाइट वेट है, अराउंड 305 ग्राम का है जो लाइट वेट ही माना जाता है। दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बिगनर लेवल रनर्स के लिए या फिर मैराथन रनर्स के लिए काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है, आप इस रनिंग शूज़ के लिए जा सकते हैं। बजट फ्रेंडली एंड ड्यूरेबल रनिंग शूज़ है, काफ़ी अच्छा चल सकता है आगे। तो दोस्तों, अगर आप इस रनिंग शूज़ को परचेस करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, A6 के रनिंग शूज़ हमने पहले भी कवर किए हैं, बट A6 एक ऐसा ब्रांड है जिसके रनिंग शूज़ रिसेंट टाइम में काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, जो प्राइस एंड क्वालिटी के मामले में दूसरे ब्रांड्स को काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिशन देते हैं। इसलिए हमारे फर्स्ट इन द लिस्ट है बजट में A6 जेल कंटेंट फॉर बेस्ट बजट रोड मैराथन रनिंग शूज़। दोस्तों, यहाँ पे एक बात आती है कि जो मैराथन रनिंग शूज़ होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू A6 जेल कंटेंट। A6 जेल कंटेंट मीडियम रेंज का रनिंग शूज़ है, प्राइस में मीडियम रेंज है, बट एज कम्पेयर टू अदर मैराथन रनिंग शूज़ वो काफ़ी कम है प्राइस के मामले में और क्वालिटी में काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है। दोस्तों, अगर हम इस रनिंग शूज़ के अपर मटेरियल की बात करें तो ये ब्रीदेबल मैश का बना है जो इसे काफ़ी अच्छी ब्रीदेबिलिटी प्रोवाइड कराता है एज़ कम्पेयर टू अदर रनिंग शूज़। वहीं अगर इंसोल की बात करें तो रिमूवल ऑर्थो लाइन देखने को मिल जाती है इसमें, जो इसे काफ़ी कम्फर्टेबल बना देता है। इसके साथ ही इसमें एडिशनल जेल कुशनिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है जो बहुत ही अच्छा शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए और जो इसे काफ़ी अच्छा मैराथन रनिंग शूज़ बना देता है। और ये सारे के सारे एथलीट्स के लिए सूटेबल रनिंग शूज़ है। सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है, अगर आप इस रनिंग शूज़ को बाय करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो टॉप 5 बजट फ्रेंडली मैराथन रनिंग शूज़ की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।